तो जैसे नॉन दोस्तों, तो आज काफी दिन के बाद ऐसे फेस टू फेस बात हो रही है आपसे। तो आज हम लोग बात करने वाले मदर नेचर की पावर के बारे में, या फिर अर्थ की पावर के बारे में, जिसके साथ भगवान कल्कि की पावर भी संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रही है। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 नवंबर के दिन कुछ ऐसी न्यूज निकल गई जिसके ऊपर हालांकि हमने कुछ महीनों पहले बात भी किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अब ये चीज दिखाई भी दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप, रशिया और यूक्रेन के कई सारे इलाकों में 5 नवंबर के दिन आसमान के अंदर पोलर लाइट्स, बोलिए आप लोग नॉर्दर्न लाइट्स बोलिए, या फिर हमारी वैदिक सनातन की भाषा में बोला जाए तो मदर नेचर की जो पावर है, मदर अर्थ की जो पावर है, वो अब संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रही है। अब इसका क्या मतलब है और इसके इफेक्ट क्या कुछ हो सकते हैं, चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वो तस्वीर देखी जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, ये रसिया, यूक्रेन और कुछ यूरोप के कुछ और इलाकों में भी देखी गई है। और अब कई लोग सोच रहे होंगे आखिर ये है क्या। आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग मॉडर्न साइंस की पूंछ पकड़ के चलते हैं, आपको बता दूं मॉडर्न साइंस इतने सालों में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि आखिर ये जो पोलर लाइट्स हैं या फिर नॉर्दर्न जो लाइट्स हैं, ये आखिर दिखाई क्यों देती हैं आसमान में, इसका पीछे का रीजन क्या है। पर आपको बता दूं, हमारे सनातन धर्म में ये बहुत पहले से ही बताया गया है कि जो अर्थ है इसके अंदर भी एनर्जी है, ये अर्थ अलाइव है, ये कोई ऐसे ही नहीं कि बस एक जमीन का टुकड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सनातन धर्म बहुत पहले से बताता आ रहा है कि पंच तत्वों में शक्ति होती है, हमारी पृथ्वी में शक्ति होती है, और यही शक्ति एक तरह से जो नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में दिखाई दे रही थी। पर अब जैसे कि आप सभी को पता है, अभी का समय जो है युग परिवर्तन का समय है, भगवान नारायण धरा पर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनकी एनर्जी जब मदर नेचर के साथ जुड़ रही है तब ये चीज दिखाई दे रही है संपूर्ण विश्व में। आपको पता होगा काफी समय पहले जब अर्थक्वेक हो रहे थे, चाहे टर्की का हो, दिल्ली में हो, उस समय आसमान में कुछ लाइट्स दिखाई दे रही थी। इसके ऊपर हमने पीटी गुरु से भी बात किया था तो उन्होंने भी इस चीज को बताया था। लोगों ने देख चीज और भी नोटिस किया होगा, जहां जहां अर्थ की तारे वहां पे आसमान में एक रोशनी भी दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, तो वो क्या चीज कहते हैं गुरु जी? तो ऐसा है मॉडर्न, हाँ, जब लोग अर्थ की बात करते हैं जो कि पृथ्वी में आता है, ठीक है, तो अभी लोगों का ये समझ ये है कि पृथ्वी पे कोई शक्ति नहीं, लोगों की समझ ये कि पृथ्वी में कोई शक्ति नहीं होती, और जो हमारे चार पांच महाभूत है चारों, उनमें भी कोई शक्ति नहीं है, उनके साथ जो भी कुछ होता है वो आदमी के करने से ही होता है। अगर आदमी नहीं करेगा तो कोई और कोई शक्ति है ही नहीं यहाँ पे, खाली एक ही शक्ति है जिसको मैन मेड कहा जाता है। तो बात यह कि जो ये सब लाइट जो आ रही है सारी यहाँ पे भी अर्थक्वेक होता है, वो अर्थ में से पहले भी देखी जा सकती है, नॉर्दर्न लाइट्स की तरह, ठीक है। अब वो लाइट्स जहां जहां पे भी जैसे इंडिया तक, अफगानिस्तान, वहां तक भी दिखाई देनी शुरू हो गई अभी रिसेंटली, तो इसका मतलब जो अर्थ की एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गर तरीके से बाहर आ गई है, ठीक है। और जहां पे भी अर्थक्वेक होता है तो वो दैनीय भी शक्तियां पहले दिखाई देने लगती है। कि ये जो चीज है ये मदर नेचर की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, जो कि धीरे धीरे युग परिवर्तन के साथ, आपको बताया भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है, वो चीज भगवान के साथ बढ़ती जा रही है। जब भगवान कल्कि और अर्थ की एनर्जी कंबाइन हो रही है तब ये चीज और तेजी से बढ़ रही है। और अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप शिवा की रुद्र एनर्जी मानिए, चाहे नारायण की एनर्जी मानिए, या शिव नारायण की एनर्जी मानिए, कंबाइन एनर्जी जो कि संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे नेचुरल डिजास्टर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अर्थक्वेक नेपाल में काफी लोगों की जान गई, कल भी दिल्ली में और नेपाल में फिर से भूकंप आया दूसरी बार 5.6 और कुछ आसपास का। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों जगह पे जुड़ जाइए, दोनों पे ही हम लोग अपडेट डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे अब मैं क्लिपिंग भी डाल रहा हूँ, काफी सारी रील्स भी डाल रहा हूँ जो हमारी वीडियोस हैं काफी अच्छी तरीके से, तो आप लोग जाइए, काफी लोग जुड़ भी रहे हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली जुड़िए। खैर वापस से मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि मैंने बताया मदर नेचर और भगवान कल्कि की एनर्जी जब कंबाइन हो रही है तब आसमान में लाइट्स दिखाई दे रही है, और अब ये लाइट्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। शुरू में नॉर्थ नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में नॉर्वे, पोलैंड और उस एरिया में दिखाई दे रही थी, आइसलैंड, पर अब धीरे धीरे वो आगे आ रही। कुछ समय पहले आपको पता हो तो अफगानिस्तान में दिखाई दी थी, वो टर्की में दिखाई दी थी, दिल्ली में भी दिखाई दे रही थी, और अब ये यूरोप के एरिया में दिखाई दे रही है, यूक्रेन, रशिया, वहां पे भी ये चीज दिखाई दे रही है। और काफी रशिया में अगर आप देखेंगे, यूक्रेन में देखेंगे तो ये लाल कलर में दिखाई दे रही है। अब इसका इंडिकेशन क्या है? पहला तो जैसे कि मैंने बताया मदर अर्थ की एनर्जी बहुत तेजी से बाहर निकल के आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब है इस युग परिवर्तन के समय में अब जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे,
ये चीज आप मान के चलिए। और ये एक चीज और भी बता देता हूँ, कई लोग जब मैं नेचुरल डिजास्टर या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ तो ये सब क्यों हो रहा है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सब चीज अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसका जो एट द एंड रिजल्ट है वो बेहतरीन ही निकल रहा है। तो ये डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है, और इस चीज से कैसे बचा जा सकता है या फिर कैसे इस चीज को सही तरीके से लिया जा रहा है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो सेकंड चैनल पे लाने वाला हूँ। बहुत पहले मैंने उसको बना दिया था पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो वीडियो डिलीट हो गया था, पर वो वीडियो मैं डेफिनेटली लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। इसके अलावा आप लोग कुछ शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नेचर से जुड़ना शुरू कीजिए, भगवान की स्तुति करना शुरू कीजिए, नेचर की स्तुति कीजिए, यही चीज आपको आगे भी सही रास्ते पे लेके जाएगी और इसके बाद भी आपको अच्छी ही चीज मिलेगी, मतलब आपके साथ अच्छा ही होगा जो भी चीज है। खैर बाकी आप लोग बताइए, नॉर्दर्न लाइट्स या फिर जो ये मदर नेचर की अर्थ के रूप में ये लाइट्स दिखाई दे रही है, एनर्जी के रूप में लाइट्स दिखाई दे रही है, आप लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं? मतलब कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हार्प से बनाई जा रही है या फिर मैन मेड है, पर ऐसा नहीं है, सब कुछ मैन मेड नहीं होता है, ये अर्थ की एनर्जी है, नेचर की एनर्जी है, भगवान कल्कि की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस चीज को उसी तरीके से लीजिएगा और सम्मान कीजिए इस चीज का, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी पर अब दिखाई देंगे धीरे धीरे करके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जरूर से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत सारी रील्स अपलोड कर रहा हूँ मैं कोलेब्रेशन के साथ जो हमारे गेस्ट होते हैं, तो जाओ चेकअप जरूर से करो। और युग परिवर्तन के सभी न्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है। और हाँ एक चीज और, आप लोग में से कई लोग पूछे थे कि कैसे चैनल को सपोर्ट किया जा सकता है, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ डाले हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहाँ पे, और कमेंट में भी मैं डाल दूंगा अगर होगा तो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिए सभी न्यूज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।